हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का जो थ्योरी पेपर आता है डीयू के अंदर वो कितने मार्क्स का आता है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी पेपर पर रहेगा जी, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है क्रेडिट्स, कोई भी पेपर जब आप क्लियर करते हो तो आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अब क्रेडिट्स जनरली नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स से मेजर किया जाता है रेगुलर के लिए, कि अगर किसी सब्जेक्ट का लेक्चर या ट्यूटोरियल का कोई क्रेडिट है तो एक क्रेडिट का मतलब ये है हफ्ते में 1 घंटे की क्लास होगी। वहीं अगर प्रैक्टिकल का क्रेडिट है तो उसका मतलब ये है एक क्रेडिट अगर प्रैक्टिकल का है तो 1 वीक में 2 घंटे की क्लास होंगी। तो इसे अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कितने क्रेडिट लेक्चर के हैं, कितने ट्यूटोरियल के हैं और प्रैक्टिकल के हैं। हमेशा से जो कॉम्बिनेशन होता है वो लेक्चर या प्रैक्टिकल का होगा या लेक्चर या ट्यूटोरियल का होगा, तीनों कॉम्बिनेशन कभी भी एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चूंकि हम एसओएल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो एसओएल में क्लासेस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्लासेस उतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं। तो एसओएल के लिए सिंपल सा रूल आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आप क्लियर कर रहे हो तो जितने भी क्रेडिट्स का वो सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर 4 क्रेडिट वाला है तो 4 मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद, 2 वाला है तो 2 मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एनईबी सिस्टम के अंदर 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। एक कैटेगरी वो जिनके 2 क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं क्लियर करने पर, एईसी, सेक या वैक, और एक कैटेगरी वो जिसमें क्लियर करने पर 4 क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर और जनरिक इलेक्टिव, ठीक है। ये 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट ही डीयू के अंदर फॉलो होते हैं। ये चीज़ आई होप अब आप समझ में आ गई होगी। नाउ मार्किंग सिस्टम को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप थ्योरी एग्जाम के मार्क्स को पता लगाना चाहते हो सबसे पहला काम आपको ये देखना है उस सब्जेक्ट के लेक्चर के कितने क्रेडिट्स हैं, सबसे पहले आप ये देखोगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से। अब जैसे डीयू के अंदर ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं, मैं अब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल, कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट सबको मिलाकर, वो कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, वो 4 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है और 2 क्रेडिट वाला है। आप इनको 40 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, 40 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उनके टोटल मार्क होते हैं 160 और जो 2 वाले हैं उनके होते हैं 80। ये टोटल सिस्टम होता है मार्किंग का। नाउ इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं। तो थ्योरी पेपर का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ क्रेडिट को 40 से, जो भी आंसर आएगा उसका 75% होता है उतने नंबर का थ्योरी पेपर आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट के लेक्चर के 3 क्रेडिट हैं, अब उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आ गया, और 120 का 75% होता है 90, तो 90 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा। हमने क्या कहा था इस वीडियो में, स्पेसिफिकली थ्योरी पेपर की हम वेटेज की बात कर रहे हैं तो और चीज़ों को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपको। नाउ ये चार्ट देखिए आप लोग, इस चार्ट में सारे कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं डीयू के अंदर किस किस कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें लेक्चर कितने कितने के होते हैं। जैसे ये देखिए आप लेक्चर के क्रेडिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला कॉम्बिनेशन है 3, लेक्चर के 3 क्रेडिट हैं। अब 3 क्रेडिट होने पर कितने मार्क्स का हो गया, 120 अगेन, उसका 75% होता है 90 और 90 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा। दूसरा वाला कंपोनेंट देखिए, सेम कंडीशन है। तीसरा वाला कंपोनेंट देखिए, 0 क्रेडिट है तो लेक्चर का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, थ्योरी का एग्ज़ाम। इसके बाद चौथा कंपोनेंट है, 1 ही क्रेडिट है तो 40 हो गया, 40 का 75% कितना होता है 30 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और देखिए, 2 क्रेडिट है 80 हो गया, 80 का 75% कितना होता है 60 यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हो गए, 2 में से 1 क्रेडिट आपका लेक्चर का है 40 हो गया, 40 का 75% 30 हो गया। 0 क्रेडिट हैं लेक्चर के तो 0 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, होगा ही नहीं। और अगर दोनों ही 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में दोनों ही लेक्चर के क्रेडिट हैं तो 80 का हो गया, 80 का 75% 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर हो गया। यहाँ पे जो कंडीशंस आपको दिख रही हैं, 2 क्रेडिट वाला जो सब्जेक्ट है जिसमें 0 क्रेडिट है लेक्चर के उसका थ्योरी एग्जाम होगा ही नहीं, और जिसमें 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में 0 क्रेडिट लेक्चर के हैं उसका थ्योरी एग्जाम होगा ही नहीं। तो बार बार जो बात हो रही है सेक एग्जाम का थ्योरी पेपर नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
भाई उसमें लेक्चर का एक भी क्रेडिट नहीं है तो थ्योरी का उसका होगा ही नहीं, दैट्स इट। और भी चीज़ें हैं जो समझाई जा सकती हैं इस वीडियो में, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं है लंबी वीडियो देखने में, इसलिए मैंने सिर्फ फोकस रखा कि कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा, वो आप कैसे खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए लेक्चर के कितने क्रेडिट्स हैं, उसको सिंपली 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसका 75% निकाल लीजिए, उतने मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर समझ में आया हो, कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।